हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसीज आई हैं, जिसके एडमिट कार्ड भी जो है वो आउट कर दिए गए हैं, तो उसके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपका असिस्टेंट लाइनमैन है यानी कि इलेक्ट्रिकल से जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है ना, ये पहली वीडियो है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम करवाएं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और 20 के 20 जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। ठीक है ना, सभी के सभी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल से रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेफ्टी प्रैक्टिस और हैंड टूल्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के अंत तक आपने जरूर देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर असिस्टेंट लाइनमैन के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि व्हाई सेफ्टी रूल्स आर नेसेसरी फॉर एन इलेक्ट्रिशियन। तो एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके लिए जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सभी के सभी पहली बात तो कमेंट करेंगे और लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को। तो किस लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, टू अवॉइड द प्रोडक्शन लॉस और टू अवॉइड पर्सनल इंजरीज, टू इंप्रूव पर्सनैलिटी ऑफ इलेक्ट्रीशियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू प्रोडक्शन लॉस के लिए और पर्सनल इंजरीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी रूल्स को अपनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर। तो कह रहा है कि कौन से टाइप का एक्सटिंग्विशर है, जो है फायर एक्सटिंग्विशर है, वो यूज नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर में। हेलोन एक्सटिंग्विशर, कार्बन क्लोराइड एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, फोम एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का पर्पस क्या है, टू सस्टेन लाइफ, टू प्रमोट स्पीडी रिकवरी, टू प्रिपेयर फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट एड का जो पर्पस होता है वो टू सस्टेन लाइफ है, टू प्रमोट स्पीडी रिकवरी, टू प्रिपेयर फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट डज पीपीई स्टैंड फॉर। पीपीई जो किट होती है उसके मतलब क्या है, पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई की फुल फॉर्म बतानी है आपको, प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, या पीपल से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता इक्विपमेंट होता है पीपीई की फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये चंडीगढ़ एएलएम की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन डाले गए। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग वोल्टेज रेंज ऑफ नियॉन टेस्टर। तो जो नियॉन टेस्टर होता है उसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज कितनी होती है, 0 से 50 वोल्ट, मोर देन 1000 वोल्ट, 500 से 1000 वोल्ट, या 100 to 250 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन टेस्टर की जो वोल्टेज रेंज होती है वो ऑप्शन नंबर डी, 100 to 250 वोल्ट रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू अर्थिंग इज आर प्रैक्टिस बाय एवरी इलेक्ट्रिशियन। तो कौन से रूल जो होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू अर्थिंग आर प्रैक्टिस बाय एवरी इलेक्ट्रिशियन, तो कौन कौन से रूल है, डू नॉट कनेक्ट अर्थिंग टू द वाटर पाइपलाइन, यूज ऑलवेज अर्थ कनेक्शन फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज अलॉन्ग विद 2 पिन सॉकेट एंड प्लग्स, यूज ऑलवेज अर्थ कनेक्शन फॉर ऑल इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज अलॉन्ग विद 3 पिन सॉकेट एंड प्लग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में आपके पास ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड थ्री, तो 1 एंड 3 दोनों यहाँ पर ये सही हो जाएंगे कि अर्थिंग वाटर पाइपलाइन के साथ नहीं करनी चाहिए, और दूसरा तीन तीन पिन वाले सॉकेट और प्लस का हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है आपको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्लीनिंग ऑफ वर्कशॉप। वर्कशॉप को क्लीन करने के पीछे का रीजन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस इन्फेक्टेंट स्प्रेड्स द जर्म्स एंड इलनेस, प्रॉपर एयर फिल्ट्रेशन इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ हजार्डस सब्सटेंस लाइक डस्ट एंड वेपर, क्लीनिंग ऑफ ड्राई फ्लोर एसेंशियल टू प्रिवेंट स्लिप्स एंड फॉल्स इन द वर्कशॉप, क्लीनिंग ऑफ लाइट फिक्सचर रिड्यूस लाइटिंग एफिशिएंसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लीनिंग ऑफ ड्राई फ्लोर एसेंशियल टू प्रिवेंट स्लिप्स एंड फॉल्स इन द वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड कौन सा साइन है, तो चार साइन आपको दे रखे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको पहला साइन दिखाई दे रहा है, ये दूसरा साइन है, ये तीसरा है, और ये चौथा साइन है।
इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेटेड कौन सा साइन होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेटेड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी जो है वो साइन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्रू ड्राइवर आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द, तो स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं आर स्पेसिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ब्लेड, विथ ऑफ द टिप, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ब्लेड एंड विथ ऑफ द टिप, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वाटर एक्सटिंग्विशर, तो वाटर एक्सटिंग्विशर के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यूज फॉर क्लास ए फायर्स, यू शुड बी यूज फॉर क्लास बी फायर्स, एक्सटिंग्विश इज द फायर बाय टेकिंग हीट एलिमेंट ऑफ फायर ट्राइंगल, एक्सटिंग्विश इज द फायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्राइंगल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुड बी यूज फॉर क्लास बी फायर, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेज। तो इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस प्रोवर्ब अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी इलेक्ट्रिशियन, फेमस प्रोवर्ब क्या है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फॉर एवरी इलेक्ट्रिशियन के लिए? तो इलेक्ट्रिसिटी इज गुड सर्वेंट एंड अ गुड मास्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज अ बैड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, या नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच प्लायर आर मोस्ट सुटेबल फॉर द कटिंग हार्ड वायर्स, तो हार्ड वायर्स को कटिंग कट करने के लिए कौन से प्लायर का यूज किया जाता है, लॉन्ग नोज प्लायर का, लॉकिंग प्लायर्स का, वायर स्ट्रिपर्स का, या डायगनल कटर्स का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हार्ड वायर्स को कटिंग करने के लिए कौन सा प्लायर काम आता है, डायगनल कटर काम आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, तो अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या रहता है, कूलिंग डाउन द विक्टिम, या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम इफ द विक्टिम इज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन इट्स ऑन, डू नॉट कीप द विक्टिम स्टिल एंड प्रेफरेबली स्टिल ऑन लाइंग बेड, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइडेड करना चाहिए किसको, विक्टिम को, इफ द विक्टिम इज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन फॉर इलेक्ट्रिशियन नाइफ्स, तो इलेक्ट्रिशियन जो नाइफ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी केयर रखनी चाहिए, डू नॉट फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज, डू नॉट यूज द नाइफ फॉर कटिंग वायर्स, कीप नन ऑफ द ब्लेड्स इन अ शार्प कंडीशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन, कौन सी केयर अपन रखनी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डू नॉट यूज द नाइफ फॉर कटिंग वायर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज विच इज आर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो कौन सा मेथड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का, रिसाइकल, कंपोस्टिंग, इन इनसिनरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिसाइकलिंग, कंपोजिशन और इनसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज इन इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिक फायर, तो कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिकल फायर में, तो हेलोन या सीटीसी टाइप, पाउडर टाइप, सोडा एसिड, वाटर टाइप, या फोम टाइप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हेलोन या फिर सीटीसी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, तो जो फर्स्ट एड होता है उसके लिए एबीसी क्या है, तो एयर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एड ब्रीथिंग एंड केयर, एयर बॉडी, एड बॉडी एंड केयर, या एयरवे बॉडी एंड सर्कुलेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द वर्कर रिक्वायर फुट प्रोटेक्शन इन वर्क एनवायरमेंट विद, द वर्कर रिक्वायर फुट प्रोटेक्शन इन वर्क एनवायरमेंट विद, कैसे अपने फुट को प्रोटेक्ट करके रख सकता है, फाइन एंड डस्ट फ्लफ से, हॉट एंड पॉइजनस फ्यूम्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, या पेनिट्रेशन मटेरियल सच एज नेल्स और स्पाइक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेनिट्रेशन मटेरियल सच एज नेल्स एंड स्पाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स आर प्रैक्टिस्ड बाय एवरी इलेक्ट्रिशियन, तो कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए एवरी इलेक्ट्रिशियन को, डू नॉट वर्क ऑन लाइव सर्किट इफ अनअवॉइडेबल, यूज रबर ग्लव्स, रबर मैट्स, डू नॉट मेडल विद इंटरलॉक ऑफ मशीन्स, स्विच गियर्स, रिप्लेस और रिमूव फ्यूजेज ओनली आफ्टर स्विचिंग ऑफ द सर्किट स्विच, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन
ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ISO, JIS, BIS या DIN? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BIS। तो BIS, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS की फुल फॉर्म होती है आपके पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये होती है BIS की फुल फॉर्म। ठीक है, ISO की फुल फॉर्म पूछेगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। JIS की फुल फॉर्म बनेगा पूछेगा तो जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होती है। और DIN की अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो डिटैच इंडस्ट्री नॉर्मन होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास चंडीगढ़ ALM की सब्जेक्ट रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पार्ट वन था। इसी तरह से पार्ट टू पार्ट थ्री हम लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।